तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है बिकिनी गर्ल्स ऑन आइस। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा स्लैशर और डिस्टर्बिंग मूवी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मूवी को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। टीनेज के टाइम पर लोग हमेशा ही गलत कदम उठाते हैं और कभी कभी यही गलत कदम उनकी जान पर भी खतरा बन जाता है। तो आज हम ऐसी एक कहानी के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कुछ टीनेजर एक ऐसी जगह पर रुकते हैं जो कि उनकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन होता है। तो क्या इस जगह से वे लोग जिंदा वापस आ जाएंगे, यही हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉरर लैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रात से, जहाँ पर जैना नाम की एक लड़की कार में कहीं पर जा रही थी, लेकिन रात होने की वजह से उसका रास्ता समझ नहीं आ रहा था और जैना अपनी फ्रेंड मेगन से भी फोन पर बात कर रही थी। तभी जैना को एक गैस स्टेशन दिखता है जो कि हॉरर और स्लैशर मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैना उसी गैस स्टेशन पर रुकती है और गैस स्टेशन पर आते ही जैना के फोन का नेटवर्क अचानक चला जाता है और मेगन का कॉल कट हो जाता है। जैना रास्ता पूछने के लिए गैस स्टेशन के अंदर जाती है, लेकिन उसका वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। वहाँ पर बस एक फ्रिज था जो कि बहुत आवाज कर रहा था। जैना फिर वहीं के टेलीफोन से मेगन को कॉल करके उसको 5 मिनट में कॉल बैक करने को कहती है, क्योंकि मेगन का कॉल वॉइसमेल पर जा रहा था। तभी जैना को अपनी कार की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर आकर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था। जैना कार में बैठकर अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती है और जैना बाहर आकर ये देखती है कि उसकी कार को किसी ने चेन से बांध कर रख दिया है। जैना कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक अजीब सा दिखने वाला किलर जैना को कुल्हाड़ी से काट कर मार डालता है और इससे जैना की वहीं पर मौत हो जाती है। किलर फिर जैना की डेड बॉडी को उसी फ्रिज पर रखकर अजीब तरीके से चिल्लाता है और वो उसकी डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है और यहीं पर इस मूवी का एंट्रो सीन कट होता है। अब कहानी फिर लेना और कैट की तरफ जाती है और उनके स्कूल का एक कार वॉश कॉम्पिटिशन होने वाला था, जहाँ पर वे लोग बिकनी पहनकर लोगों की कार को वॉश करके उसका पैसा चैरिटी में देने वाले थे। लेना तो उस कार वॉश कॉम्पिटिशन के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन कैट इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। पर फिर भी लेना उस कार वॉश में पहनने के लिए कैट के लिए एक बिकनी लेकर आती है। यहाँ पर दूसरी तरफ ब्लैक टॉमी को बता रहा था कि कार वॉश की जगह तक वे लोग एक बस में लड़कियों को लेकर जाएंगे और टॉमी को भी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ब्लैक उसको कार वॉश कॉम्पिटिशन में चलने के लिए मना ही लेता है। निकी तो टॉमी को अपने प्यार में फंसाने के लिए इस कॉम्पिटिशन में जा रही थी। अगले दिन कैट और लेना को लेना का बॉयफ्रेंड सैम बस की तरफ छोड़ने के लिए जा रहा था और लेना सैम को बताती है कि वो पिकअप करने का टाइम सैम को कॉल करके बता देगी। दूसरी तरफ उनकी बस आकर उसी गैस स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर जैना का मर्डर हुआ था और वहीं पर उनकी बस खराब हो गई थी, तो इसीलिए उनको वहाँ पर रुकना पड़ता है। क्रिस्टिना गैस स्टेशन के अंदर जाती है वहाँ पर मदद मांगने के लिए, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है और तभी उसको किसी कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। क्रिस्टिना उस आवाज़ का पीछा करने लगती है, लेकिन वहाँ पर केली आकर क्रिस्टिना को डराकर उसके साथ मजाक करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस्टिना और केली एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे दोनों लेस्बियंस हैं। अब तब तक लेना और केट को सेम उसी गैस स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है। वो दोनों गैस स्टेशन के अंदर कपड़े चेंज करने जाते हैं, जहाँ पर केट को किसी के अपने आसपास होने का एहसास होता है, लेकिन लेना की वजह से केट इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। टॉमी से ब्लैंक को ये पता चलता है कि बस को ठीक होने में कम से कम 3-4 घंटे लगने वाले हैं, तो इसलिए वे सभी वहीं पर कार वॉश करने का डिसाइड करते हैं। सभी लड़कियां बिकनी पहनकर वहां से गुजरने वाली कार को वॉश करने लगती है और चैरिटी के लिए पैसा जमा करने लगती है। फिर कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर दो ओल्ड कपल जेनेट और जेडी आते हैं जिनकी कार का पेट्रोल खत्म हो चुका था। कार को थोड़ी दूर खड़ी कर वे दोनों इस गैस स्टेशन पर पेट्रोल लेने के लिए आते हैं। केट उनको बताती है कि गैस स्टेशन पर कोई भी उनको नहीं मिला, शायद वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है तो वे लोग वहाँ से पेट्रोल ले सकते हैं, और तब जेडी वहाँ से पेट्रोल लेने लगता है। फिर कुछ देर के बाद में वहाँ पर हैंक नाम का एक ओल्ड मैन आता है। केट और लेना हैंक की कार वॉश करना चाहते थे, लेकिन हैंक उससे अपनी कार को वॉश नहीं करवाता है। फिर हैंक उनको उसी गैस स्टेशन की स्टोरी बताने लगता है कि उस गैस स्टेशन पर आज तक जिनको भी उसने जाते हुए देखा है वे कभी भी जिंदा वापस नहीं गए, तो उनको भी जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहकर हैंक वहाँ से चला जाता है, लेकिन कैट और लेना उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उन दोनों को ये बातें झूठी लगती है। जेडी गैस स्टेशन के अंदर जाता है ताकि वो पेट्रोल के पैसे दे सके,
और वो उसके ड्रिंक के लिए कुछ आइस लेने जाता है, लेकिन कोई भी उसको नजर नहीं आता है, तो वो पैसे टेबल पर ही रख देता है। और तब फ्रिज की आवाज सुनकर जेडी आइस लेने के लिए फ्रिज के पास जाता है, लेकिन अचानक से किलर आकर बड़ी बेरहमी से जेडी को एक स्क्रू ड्राइवर से मार डालता है। जिनन बहुत देर तक बाहर जेडी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जेडी अभी तक बाहर नहीं आया था। तब जिनेट खुद अंदर जाकर जेडी को ढूंढने का डिसाइड करती है। अब एक रूम में जिनेट को आइस के बीच में जेडी की लाश दिखाई देती है। वो डर के मारे चिल्ला पाती, उससे पहले ही किलर कई बार वार करके जिनेट को मार डालता है। बाहर मेट नाम का एक लड़का कार वॉश के लिए उसी गैस स्टेशन पर रुकता है, और केली को मेट पसंद आ जाता है। दोनों एक दूसरे से कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों गैस स्टेशन के पीछे बने एक गैराज में जाते हैं, और वहां पर वे दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ कोई भी कार गैस स्टेशन की तरफ नहीं आ रही थी, तो इसीलिए बहुत सारी लड़कियां वहां से चली जाती है। अब कार वॉश से उनके पास ज्यादा पैसे जमा नहीं होते हैं, तो इसलिए निक्की को बहुत ही गुस्सा आता है, और वो क्रिस्टिना के साथ मिलकर ब्लैंक के साथ में एक प्रैंक करने का सोचती है। क्रिस्टिना को कैमरा लाने का बोलकर निक्की इंटीमेट होने के लिए बस को लेकर गैस स्टेशन के पीछे आने को कहती है। ब्लैंक भी इसी मौके की तलाश में था, और वो टॉमी से बस मांगता है। टॉमी पहले तो बस देने से मना कर देता है, लेकिन ब्लैंक के बहुत रिक्वेस्ट करने पर टॉमी उस बस दे देता है, और ब्लैंक उस बस को गैस स्टेशन के पीछे ले जाता है। फिर कुछ देर के बाद में निक्की और क्रिस्टिना कैमरा लेकर बस के पास जाते हैं, और उनका प्रैंक ये था कि वे दोनों ब्लैंक का ऑकवर्ड पोजीशन में फोटो ले लें। लेकिन बस का डोर खोलने पर वहां पर उनको एक सड़े हुए कुत्ते की बॉडी मिलती है, लेकिन ब्लैंक वहां पर नहीं था। सड़े हुए कुत्ते को देखकर क्रिस्टिना को बहुत ही ज्यादा घिन आती है, और वहीं साइड में वो उल्टी कर देती है। तभी उसे गैरेज के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है, और ब्लैंक को समझ कर क्रिस्टिना उस आवाज का पीछा करने लगती है, और तभी अचानक किलर एक ग्लास की बोतल क्रिस्टिना के सर पर मार डालता है। क्रिस्टिना वहीं पर बेहोश हो जाती है, और किलर फिर एक चाकू से कई बार वार करके क्रिस्टिना को मार डालता है। सभी लोग ब्लैक को ढूंढ रहे होते हैं, और अब तक रात भी हो चुकी थी, और अब तक ब्लैक का कोई भी अता पता नहीं था। लेना को वहीं पर जेना की कार और उसका बैग मिलता है, और जेना का फोन भी उसको मिल जाता है। फोन के वॉइस मैसेज को सुनकर उसको पता चलता है कि जेना कल रात से गायब है, मतलब कि जेना के मर्डर के सिर्फ एक दिन के बाद में वे लोग गैस स्टेशन पर आए थे। तभी टॉमी और केट के मन में यही सवाल आता है कि उनके दोस्त एक एक करके गायब हो रहे हैं, और जो कपल यहाँ पर गैस भरवाने के लिए आए थे उनको भी जाते हुए किसी ने नहीं देखा है। लेकिन लेना इन बातों को सीरियस नहीं लेती है, और उसके मुताबिक कोई लड़की अपना बैग कार में भी भूल गई होगी, और उसकी कार खराब होने की वजह से गैरेज में लाया गया होगा। फिर भी लेना ये डिसाइड कर लेती है कि उसका बॉयफ्रेंड सैम जब उसको लेने आएगा वे लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इस बात पर निक्की नाराज हो जाती है, और लेना निक्की की नाक पर पंच कर देती है, और उसकी नाक से खून आता देखकर निक्की वहां से गुस्से में चली जाती है। फिर इस तरफ केली अकेले ही ब्लैंक को ढूंढ रही थी, और केली फिर गैस स्टेशन के रूम में आ जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। वो वापस वहां से बाहर आने लगती है, और उसी टाइम पर किलर पीछे से केली पर हमला करके उसको जख्मी कर देता है। फिर उसको उठाकर वो एक फ्रिज में आइस के साथ बंद कर देता है। केली फ्रिज से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और तब किलर फ्रिज को खोलकर एक लकड़ी से केली पर कई बार वार करके उसे भी मार डालता है। अभी यहाँ पर निक्की नाक के जख्म का खून रोकने के लिए गैस स्टेशन के अंदर के फ्रिज से आइस लेने के लिए जाती है, और तभी उस गैस स्टेशन के टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है। निक्की उस कॉल को उठाती है, और कॉल पर ब्लैक निक्की से मदद मांगता है, और कहता है कि किसी आदमी ने उसको एक बाथटब में आइस के साथ में रखा हुआ है, जिसके बाद में वो अपने लेग्स को फील नहीं कर पा रहा था। पर निक्की उसकी बातों को मजाक समझ रही थी। वो ब्लैक का कॉल काट देती है, और टेलीफोन का वायर भी तोड़ देती है। दूसरी तरफ लेना टॉमी और केट को अकेले छोड़कर गैस स्टेशन की तरफ जाती है, और बात करते करते कैट और टॉमी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और एक दूसरे को किस कर देते हैं। तभी वहां पर लेना आकर उनको पास ही के एक घर की लाइट दिखाती है। टॉमी उस घर की तरफ मदद मांगने के लिए जाता है, और लेना और कैट उनका फोन लेने बस की तरफ जाते हैं। टॉमी फिर उसी घर के अंदर जाता है, और ब्लैक को ढूंढने लगता है। वहीं पर टॉमी को एक डोर का लॉक हिलता हुआ दिखाई देता है। टॉमी उस डोर के पास जाता है, और अंदर वो ब्लैक को देखता है जो कि उससे मदद मांग रहा था। लेकिन टॉमी उस डोर को खोल नहीं पाता है। डोर को खोलने के लिए टॉमी कोई हथियार ढूंढने लगता है, और टॉमी को एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। उसे लेकर टॉमी डोर के पास आता है ताकि वो ब्लैक को उस रूम से बाहर निकाल सके, लेकिन तब तक ब्लैक वहां पर था ही नहीं, और उससे वो डोर भी नहीं खुलता है। टॉमी को फ्रिज से कोई आवाज सुनाई देती है, और टॉमी फ्रिज के पास जाता है। वो अननोन किलर टॉमी के पास था,
और टॉमी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। फ्रिज के खोलने पर टॉमी को आइस के बीच में ब्लैक की लाश दिखाई देती है और उसी टाइम में किलर टॉमी पर भी अटैक कर देता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इस तरफ लेना को फोन का सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो गैस स्टेशन के अंदर जाकर टेलीफोन को ट्राई करती है। टेलीफोन का वायर निक्की ने तोड़ दिया था, तो लेना फिर से वायर जोड़कर अपने बॉयफ्रेंड सैम को कॉल लगाती है। सैम का फोन उस गैस स्टेशन के अंदर से आवाज करने लगता है और लेना उस आवाज का पीछा करके एक फ्रिज तक जाती है और वहां पर उसे आइस के बीच में सैम की लाश दिखाई देती है। केट को भी दूसरी तरफ एक फ्रिज में आइस के साथ में उनके एक दोस्त की लाश मिलती है। अब केट और लेना दोनों गैस स्टेशन के बाहर मिलते हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। वो दोनों निक्की को कुछ बता पाते उससे पहले ही वो किलर पीछे से आकर निक्की का गला काटकर उसको मार डालता है। यहाँ पर दूसरी तरफ किलर को देखकर कैट और लेना एक जगह पर छुप जाते हैं और डोर को बंद कर लेते हैं। किलर भी डोर को बाहर से बंद कर देता है और फिर खिड़की से दोनों देखते हैं कि किलर निक्की की डेड बॉडी को लेकर कहीं पर जा रहा था। किलर के जाने के बाद में लेना और कैट डोर को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन डोर उनसे नहीं खुलता है। फिर केट किसी तरह आइडिया लगाकर उस रूम से बाहर निकलती है और लेना को भी उस रूम से बाहर निकालती है। यहाँ पर दूसरी तरफ किलर ने सभी लड़कियों को मारकर उनकी बिकनी को कलेक्ट करके रखा हुआ था। किलर फिर निक्की की बिकनी भी उतारकर अपने पास में रख लेता है और निक्की की बॉडी को आइस के बीच में छुपा देता है। यहाँ पर लेना और केट गैस स्टेशन के अंदर किलर से छुपे हुए थे और बाहर उनको कार की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन किलर की वजह से उनकी बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं होती है। दोनों को अंदर बहुत सारी कार की चाबियां मिलती है और ये दोनों उस ओल्ड कपल की कार में पेट्रोल भरवाकर उसी कार से भागने का सोचते हैं। दोनों गैस स्टेशन से बाहर निकलकर कार में पेट्रोल भरवाते हैं और उनको पास से एक कार गुजरती हुई दिखाई देती है, लेकिन किलर की कार समझ कर वो छुप जाते हैं। पर असल में वो कार हैंक की थी। हैंक वहां पर उन्हीं लोगों को चेक करने के लिए आया था और गैस स्टेशन में किसी को ना देखकर हैंक पुलिस को कॉल करके उन स्टूडेंट के बारे में बता देता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लेना और केट इधर उस ओल्ड कपल की कार में पेट्रोल भरवाकर कार को स्टार्ट करके वहां से निकलने लगते हैं और उनको उस कार की सही चाबी भी मिल गई थी और दोनों को लग रहा था कि दोनों की जान बच गई है। अचानक उनको कार की डिक्की से आवाज सुनाई देती है और केट को ऐसा लग रहा था कि उनका कोई दोस्त डिक्की में फंसा हुआ है। वो लेना को कार को रोकने को कहती है। वो लेना किलर के डर से कार रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कैट की जिद की वजह से उसको कार को रुकना पड़ती है। दोनों कार से उतरकर डिक्की को खोलते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डिक्की से किलर बाहर आ जाता है और यहीं पर हम किलर का नाम उसके जैकेट पर देख पाते हैं। किलर का नाम मोय था। किलर लेना पर वार कर देता है और किसी तरह कैट भी किलर पर वार करके उसको जख्मी करके लेना को लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन कार की चाबी कार के बाहर गिर जाती है और कुछ ही टाइम में लेना की जान चली जाती है। अब लेना की मौत पर कैट बहुत ही ज्यादा रो रही थी और उसको इतना भी होश नहीं था कि किलर उसके पीछे है। फिर उसी टाइम किलर कैट पर वार करके उसको बेहोश कर देता है और वो उसे अपने साथ में ले जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद में जब कैट की आंखें खुलती है तो खुद को आइस से भरे हुए एक बाथटब में पाती है और उसके पास में एक और आइस से भरे हुए बाथटब में टॉमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जो कि कैट से मदद मांग रहा था। कैट उसकी मदद कर पाती उससे पहले ही उसको छुपना पड़ता है, क्योंकि किलर उसी रूम में आ रहा था। किलर टॉमी का टुकड़ा करने वाला था, लेकिन कैट किलर को रोक देती है और वो उनको क्यों मार रहा था ये भी पूछती है। किलर कोई भी जवाब नहीं देता है और किलर टॉमी को हथौड़े से मार देता है और उसी टाइम में कैट एक चाकू किलर के गले में घुसा देती है। किलर जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता है और कैट देखती है कि टॉमी कुछ ही टाइम में मार गया है, तो इसीलिए कैट अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और किलर कैट का पीछा करने लगता है। अब फिर कैट उस ओल्ड कपल की कार तक जाती है और चाबी कार के बाहर ही पड़ी हुई थी। चाबी उठाकर कैट कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर चाबियों के बॉक्स में कैट को बस की चाबियां दिखाई देती है और कैट उसी चाबी को लेकर बस के अंदर जाती है, लेकिन वो बस को स्टार्ट कर पाती उससे पहले किलर वहां पर आ जाता है और उसे देखकर कैट बस से बाहर भाग जाती है। कैट में भागने जितनी हिम्मत भी नहीं बची थी और अब वो हार मान चुकी थी। किलर कैट को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी टाइम हैंक वहां पर आकर किलर पर गोली चलाता है, जिससे कि किलर मरता तो नहीं है लेकिन वो जख्मी हो जाता है। फिर हैंक कैट को भागने को कहता है और कैट में फिर से हिम्मत आती है और कैट उस बस को स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। तभी हमें गोली की आवाज सुनाई देती है, लेकिन हैंक और किलर में कौन मारा गया था ये हमें आगे पता चलेगा।
कहानी फिर कुछ दिनों के बाद में शुरू होती है, जहाँ उसी गैस स्टेशन में एशली और रीटा नाम की दो लड़की आती है। एशली कार में पेट्रोल भरवाने लगती है और रीटा पैसे देने गैस स्टेशन के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। रीटा को नजर आता है तो सिर्फ आइस और खून के डब्बे, जिससे कि रीटा बहुत डर जाती है और वो एशली को बुला पाती। उससे पहले किलर वहां पर आकर रीटा को मार डालता है और यहीं पर यह मूवी एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने ये देखा कि एक साइको किलर गैस स्टेशन में जो भी आता है उसको मारकर आइस में प्रिजर्व करके रखता है। किलर का एक और अजीब शौक था कि वो बिकनी गर्ल्स को मारकर उनकी बिकनी को कलेक्ट करता था। वो किलर अपने विक्टिम को इतनी जल्दी और इतने अचानक मारता था कि विक्टिम चिल्ला भी नहीं पाते थे, तो इसीलिए इतने सारे मर्डर होने के बाद भी लोगों को पता भी नहीं चला था। गैस स्टेशन में आने वाले हर एक पर्सन को वो किलर मार डालता था और हमें लगा था कि बाकी लड़कियां सैम और मैट वहां से चले गए हैं, लेकिन बाद में उनकी भी डेड बॉडी हमें फ्रिज में मिली थी और बाकी लड़कियों की बिकनी भी हमको दिखाई दी थी, मतलब कि किलर ने उनको भी मार दिया था। वो किलर क्यों लोगों को इस तरीके से मार रहा था ये मूवी में कहीं नहीं बताया गया है। किलर के हाथों से सिर्फ केटी जिंदा बच पाई थी, लेकिन हमने किलर को लास्ट में जिंदा देखा था, मतलब कि किलर ने हैंक को भी मार डाला था। तो दोस्तों, ये था बिकनी गर्ल्स ऑन आइस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।